सर से निवेदन करता हूँ कि महाराज जी को माला पहनाए। अच्छा, अब सब लोग शांत रहो, सब लोग शांत रहो। अब महाराज जी बोलने जा रहे हैं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब लोग शांत रहेंगे, ठीक है। और मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए जो है इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको आशीर्वाद दें। बोलो गुरुदेव भगवान की। देखे बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं, आप लोग इस देश की धरोहर हैं। अब जो हम बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुने। गुरु का स्थान ऊपर क्यों माना गया? अगर घर में कोई शांत रहो बेटा, घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, शादी विवाह होता है, चाहे सत्यनारायण की कथा ही सुनी जाती है, तो समय जब संकल्प पढ़ाया जाता है तो पूछा जाता है तुम्हारा गोत्र क्या है, फादर्स नेम नहीं पूछा जाता है, आप किसकी आराधना करते ये नहीं पूछा जाता है, तुम्हारा गोत्र क्या है, अर्थात आप किस गुरु घराने से जुड़े हुए हैं। ये शिक्षा की परंपरा आज तो बहुत स्कूल बहुत विश्वविद्यालय है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जब पूरा एशिया और यूरोप भारत वर्ष था, वहां तक हमारे पूर्वजों का साम्राज्य था, उस समय नैमिषारण्य में एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे सौनक जी, और इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि 88,000 केवल प्रोफेसर थे वहां, 88,000 प्रोफेसर थे और छात्र तो अगणित। वार्षिक उत्सव था एनुअल फंक्शन, सौनक जी के बाल सखा थे, बाल मित्र थे नारद जी, नारद जी को आमंत्रित किया गया, नारद जी आए, सभी विभाग विभागाध्यक्ष जो थे अपने अपने विभाग की प्रतिभा बच्चों से दिखलाई। फिर जब प्रोग्राम समापन पे पहुंचा तो प्रोफेसरों ने पूछा, सौनक जी से ये बताओ बाबा जी को क्यों बुलाया? अरे यहाँ सब इंजीनियर्स डॉक्टर्स ये पढ़ाई होती, बाबा जी क्यों बुलाया? तो कहा बाबा जी बताएंगे। सौनक जी ने माइक पकड़ा दिया नारद जी को, तो नारद जी ने कहा ये हमारे मित्र हैं इसलिए हमें बुलाया है। कहा नहीं फिर भी क्यों बुलाया आप बताएं। तो नारद जी ने कहा देखें शिक्षा दी जाती, पढ़ा लिखा के लड़के को इंजीनियर बनाया गया, डॉक्टर बनाया गया, वकील बनाया गया, पढ़ लिख के तैयार हो गया, जा रहा था कोर्ट या किसी की दवाई करने, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ाई जाती है? वो जीवन भर सुरक्षित रहे ऐसा कोई विभाग है, कोई कोर्स है? तो कहा नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, आप जानते हैं? तो नारद जी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। क्या है? कहा जैसे ये तरह तरह की विद्याएं पढ़ाई जाती है ऐसे एक अमर विद्या होगी, अमर होए कबहू न मरे, रस गगन गुफा से अजर जरे। तो कहे आप बतावे। तो नारद जी ने कहा देखो अब हम आप लोगों को क्या बतावे, इतना हमारे पास समय नहीं है, हमारा एक मेधावी छात्र है, बहुत ही योग्य विद्यार्थी शिष्य, उसके पास चले जाओ, हमको बता दो जाकर के, वो चला आएगा। फिर सौनक जी गए सूत जी के पास,
सूत जी आए तो पहले जो 88,000 प्रोफेसर उनको एक वर्ष तक उस अमर विद्या का अध्ययन कराया। जब वो सब योग्य हो गए तब फिर वही विद्या छात्रों में प्रसारित की गई। इसीलिए चाहे सत्यनारायण की कथा हो चाहे बृहस्पतिवार की कथा हो, कहीं नहीं आता है शुक्ला जी हुआ या दुबे जी हुआ, सूतो हुआ सूतो हुआ। सूत जी बोले, सूत का मतलब होता सारथी, आज जिसे ड्राइवर कहते हैं। धृतराष्ट्र के योग्य सारथी थे राधे, संतान नहीं थी, कर्ण मिल गया तो पालन पोषण करने लगे। धृतराष्ट्र से कहा, राजन अब हमारे पास नौकरी करने का समय नहीं है, तो कहा अपने जैसा योग कोई ड्राइवर ला के दे दो तो हम तुम्हें इस्तीफा ले लेंगे। तो फिर संजय को लेके आए, संजय का इंटरव्यू लिया पितामह भीष्म ने, कहा ये बताओ ड्राइवर किसे कहते हैं। कहा कुशल ड्राइवर वो है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, ड्राइवर की भी मौत हो जाए, लेकिन सवारियों को खरोंच ना आवे, वापस घर पहुंचा दे, वही कुशल ड्राइवर है। तो कहा आज से तुम धृतराष्ट्र के ड्राइवर हो, सारथी हो। संस्कृत भाषा थी उस समय सूत कहते थे, आज ड्राइवर कहते हैं। फिर सूत जी को ब्यास जी ने 18 दिन के लिए दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है त्रिकालज्ञता, उन्होंने आंखों देखा हाल पूरा महाभारत का युद्ध, धृतराष्ट्र को बताया हस्तिनापुर में बैठे बैठे। 18 दिन दिव्य दृष्टि मिल गई तो वो दिव्य पुरुष हो गए। नारद जी को वो सबसे योग्य छात्र थे, उन्हीं फिर महात्मा लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं है, तपस्या की आंखों देखा हाल जवान से बोलते हैं, वही वो बोले। फिर उसी नैमिषारण्य में इन प्रोफेसरों ने उसे लिपिबद्ध किया। ये पढ़े लिखे लोग, वाणी ऋषियों की, लेखक आप लोग, वही सब हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। इसलिए सुबह शाम 2 मिनट पहले शांत एकांत बैठ के श्वास के साथ प्रणव का जप कर लिया करो, ओम ओम ओम। इसके बाद पढ़ोगे, कुछ दिन थोड़ा समय बीतेगा तो फिर जो प्रश्न 10 बार पढ़ने में याद होता वो 1 बार पढ़ने में याद हो जाएगा। जैसे पत्थर पर लकीर जाती है और जिंदगी भर से नहीं भूलोगे, इसे मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान, ध्यान का मतलब होता मन को केंद्रित करने, तो मन को केंद्रित करके जब पढ़ोगे तो जो 10 बार पढ़ना होगा वो 1 बार पढ़ने में आ जाएगा। और सबको शुभ आशीर्वाद है, हम प्रयागराज मेला में हैं, छुट्टी के दिन आना, पढ़ाई छोड़ के ना आना, आना प्रसाद खाना के। बोलो गुरुदेव भगवान। देखो ऐसा है, अरे मेरी बात तो सुन लो भाई, तुम्हें हमें खुद नहीं पता था ये कॉलेज प्रोफेसर शिक्षक आए कहाँ से। महाराज जी ने इतनी मतलब कि अभी हम पहली बार खुद सुने हैं कि ये कैसे हुआ, और तुम सब तो केवल पता नहीं क्या सोच रहे थे। अभी हमने खुद सीखा कि ये आया कहाँ से। सच बात है कि सूतो वाच बोला जाता है ना, तो सच में कहीं भी हमारी जात नहीं पूछी जाती, गोत्र पूछा जाता है ना। तो महाराज जी कितनी ऊंची बात बता रहे थे, लेकिन तुम सबों का तो ध्यान कहीं और है, शांत रहो। अच्छा मैं अब महाराज जी को थोड़ा एक, अरे सर महाराज जी को अंग वस्त्र देंगे, आप स्वागत करो। भगवान की हम सबके लिए बड़े ही सम्मान की बात है कि आपका आज आगमन हुआ आज शुभ अवसर पे।